अब इंक्लाइन प्लेन में म्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन है, अब यहाँ पे मास रखा है एल, तो क्या कंडीशन होगी, क्या क्या सिचुएशंस होंगी? देखिए, एम जी नीचे लगेगा, ये थीटा एंगल है, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन लगेगी इसके अपोजिट, ये नीचे जाएगा। तो अगर वो रेस्ट में है ब्लॉक, तो एम जी फ्रिक्शन जो है ना वो होगी एम जी साइन थीटा के बराबर होगी, जो इक्वल होगी और जो कि उसको स्टेबल करा रहेगी, ब्लॉक नहीं गिरेगा, हिलेगा नहीं। और अगर ऊपर या नीचे मोशन कर रही होगी, मतलब ऊपर या नीचे कहीं मोशन कर रही होगी, उस कंडीशन में फ्रिक्शन जो होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी, जो कि मैक्सिमम होती है, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा us into n। इसको कैलकुलेट करने के लिए एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन है एम जी कॉस थीटा, यानी कि म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन। मैक्स, अब एक क्वेश्चन हुआ और आ सकता है कि एक्सेलरेशन इसमें बताइए, अगर नीचे मूव कर रही है तो नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फोर्स का वो करेंगे। नेट एक्सेलरेशन निकालने के से पहले हम फोर्स का देख लेते हैं कि नेट फोर्स होगा एम इंटू ए, जो कि नेट है एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, क्योंकि मूव कर रहा है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, तो यहाँ से ए आ जाएगा, अभी नहीं अभी एम लिखते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, एन कितना है एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से एम जब कैंसिल होगा तो ए नेट आएगा, नेट एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और अच्छे से आंसर देना, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ कुछ कंडीशन दी है कि जैसे इंक्लाइन बैंक रोड है, इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से बैंक रोड है, और म्यू है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उस पर कार पार्क होगी कि नहीं होगी, उसके लिए भी कंडीशन है कि जो म्यू एस है स्टैटिक कोफिशियंट वो टेन थीटा से ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी गाड़ी पार्क होगी। तो इसका मतलब जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं जो रोड बनाते हैं, तब वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि म्यू एस जो है टेन थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वहाँ पर गाड़ी पार्क हो पाएगी। अब यहाँ देखते हैं मास को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की ओर अपवर्ड मोशन कराई जा रही है आर फोर्स देके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एम जी साइन थीटा तो नीचे लगेगा ही, अपोजिट लगता ही है, ये नीचे ये थीटा है, एम जी साइन थीटा लगेगा। अब फ्रिक्शन जो ऊपर लग रही थी पहले पहले वाली कंडीशन में, यहाँ पे क्योंकि आर फोर्स ऊपर के लिए लगा है, तो फ्रिक्शन जो है ये नीचे की ओर लगेगा, और क्योंकि आर फोर्स से चल रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगी, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ऊपर चल रही है, तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए एम मास एम है इसका, एम इंटू ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी साइन थीटा प्लस यू एस एम जी कॉस थीटा, ये आएगा, एम एम कैंसिल कर देंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर माइनस, अच्छा नहीं यार अभी उसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आर में भी एम होगा, ये कुछ इक्वेशन बनेगा, एक्सेलरेशन का बना सकते हैं कि आर माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा अपॉन में एम,
ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आर फोर्स की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड मोशन करे, तो इसके लिए हम क्या उसके लिए हमने क्या करना है, आर बराबर कर देना है एम जी साइन थीटा एस एफ एस मैक्सिमम यानी कि म्यू एस एम जी कॉस थीटा के। ये कंडीशन है और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ये तब होगा जब जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अपवर्ड ऊपर की ओर मोशन करे, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पर जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा।